फ्रेंड्स, HCS के लिए न्यूज आ चुकी है। हरियाणा सिविल सर्विस का एग्ज़ाम 24 जुलाई को होने जा रहा है। 24 जुलाई बहुत दूर नहीं है, हमारे पास में हार्डली 3-4 हफ्ते का समय है। तो अभी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़। कि कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इसमें, हम पॉलिटी का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है जो पिछला जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अरेंज द फॉलोइंग केसेज रिलेटेड टू बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये हमें कुछ केसेस लिख रखे हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ, इसमें हमें अरेंज करना था। तो पहले तो दोस्तों मैं इसका आपको आंसर बता देता हूँ, फिर हम ये देखेंगे। ये क्वेश्चन तो देखो एग्जैक्टली एज इट इज़ रिपीट होगा नहीं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो कैंसिल कर दिया गया था। तो इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन वो HCS में ज़रूर पूछा जा सकता है। देखो, मिनर्वा मिल्स केस हुआ था 1980 में। ओके, गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में। इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये हुआ था आपका 1975 में। बहुत इंटरेस्टिंग केस था, प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और उनको सीट से हटा दिया गया था। केशवानंद भारती केस 1972-73 में हुआ था ये। ओके, तो अब आप यहाँ से क्रोनोलॉजी देख सकते हैं कि सबसे पहले हो गया आपका गोलकनाथ केस, फर्स्ट नंबर पे आप देखोगे। सेकंड नंबर पे आपका केशवानंद भारती केस हो गया, एंड देन थर्ड नंबर पर ये हो गया, एंड फोर्थ नंबर पर ये हो गया। ओके, तो सेकेंड, देन फोर्थ, देन थर्ड एंड देन फर्स्ट। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम ये देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनेंगे, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। वो ये है कि संकरी प्रसाद केस 1951 में हुआ था सबसे पहले। देखो, जो इसमें हमें ऑप्शंस में नहीं दिया हुआ है, ये देखिए हमें दिए हैं चार, मिनर्वा मिल्स केस, गोलकनाथ केस, इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण एंड केशवानंद भारती केस। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट केस था इससे रिलेटेड जो सबसे पहले आ गया था, वो था संकरी प्रसाद केस 1951 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये देखिए फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बाद में बेसिक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया, तो इससे रिलेटेड ये सारे केसेस हैं। संकरी प्रसाद केस 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। देखिए, आपको मैं मान के चल रहा हूँ पॉलिटी आपने बेसिक पढ़ी हुई है, नहीं भी है तो आप आर्टिकल 360 अलग से डाल के पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा 368 के तहत क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जाता है, कुछ उसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस हैं। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 ऑल्सो इंक्लूड्स द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आर्टिकल 368 के तहत बाकी चीज़ों को अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, और आप फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकते हैं। लेकिन 1967 में गोलकनाथ केस आया। गोलकनाथ केस में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पहले वाला जो स्टैंड था उसको ओवर रूल कर दिया। आपको मालूम है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, और वो अपने पुराने जजमेंट को रिवर्स करने की, रिव्यू करने की अथॉरिटी रखते हैं। तो ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट ने किया 1967 में, और क्या कहा, रूल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स आर गिवन अ ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल पोजीशन। अगर आप इंग्लिश के बहुत ज़्यादा ज्ञाता नहीं है, शशि थरूर नहीं है, तो आप नहीं समझ पाएंगे इन सबको। आप इनको डिक्शनरी में डालिए। इम्यूटेबल का मतलब, अन इम्यूटेबल का मतलब होता है अनचेंजेबल, एंड हैंस पार्लियामेंट कैन नॉट एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो 1967 के गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को, जो पार्लियामेंट है वो ख़त्म नहीं कर सकती किसी भी फंडामेंटल राइट को। जबकि हमने क्या देखा था 1951 में, कहा था कि भाई पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकती है फंडामेंटल राइट्स को, अमेंड में चाहे तो ख़त्म भी कर सकती है। गोलकनाथ केस में बोल दिया नहीं कर सकती। ठीक है, संकरी प्रसाद केस में बोला था कर सकती है अमेंड, गोलकनाथ केस में बोला नहीं कर सकती। फिर क्या हुआ, 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में। ठीक है, कौन ले गया, पार्लियामेंट में आता है अमेंडमेंट एक्ट। 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। थे वो एक चूहा बिल्ली का गेम चल रहा है बेसिकली। गोलकनाथ केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं कर सकते। ओके, तो पार्लियामेंट ने कहा नहीं हम तो करेंगे, तो वो कैसे लेकर के आए, उन्होंने 24th अमेंडमेंट एक्ट लेके कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया उन्होंने, और कहा
कि पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। उन्होंने बोल दिया भाई पार्लियामेंट के पास में पावर है। फिर अब बारी किसकी थी, गवर्नमेंट ने तो बोल दिया, पार्लियामेंट ने बोल दिया, अब बारी थी सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस हुआ, यहाँ पे डेट जो है वो गलत डल गई है, ये 1972-73 में हुआ था ये केशवानंद भारती केस में। तो इसमें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट रूल द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू एवरेज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। एट द सेम टाइम इट रूल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 डज नॉट इनेबल इट टू ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो देखो बेसिक स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट टाइम जो बात हुई थी वो यहाँ पर हुई थी, कहाँ पर, केशवानंद भारती केस में हुई थी, 1972 है ये। तो फर्स्ट टाइम जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी वो यहाँ पर हुई थी। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम पार्लियामेंट ने बोल दिया था कि नहीं हम अमेंड कर सकते हैं। फिर केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है आप कर सकते हो, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं करोगे। ठीक है, उसके बाद में 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया 1976 में। अब टर्न तो वही पार्लियामेंट का था, पार्लियामेंट क्या कहेगी, एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 368, और क्या कहा, आर्टिकल 368 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, डिक्लेयर्ड दैट देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट, कोई लिमिटेशन नहीं है पार्लियामेंट के ऊपर, एंड नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। अब भाई पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर लिया और उसको कोर्ट में क्वेश्चन किया नहीं जा सकता, तो ये बताएगा कौन कि सही हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, पार्लियामेंट ने अपनी पावर फिर से ले ली कि नो अमेंडमेंट कैन बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब टर्न आएगा कोर्ट का, फिर से आया मिनर्वा मिल्स केस 1980। मिनर्वा मिल्स का इस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 42nd अमेंडमेंट में कहा गया वो पूरी बात हम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि जुडिशियल रिव्यू एक बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने कोई भी एक्ट पास किया, हम उसका जुडिशियल रिव्यू करेंगे जुडिशरी के एंगल से और कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से, वो ठीक है या नहीं उसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी चेक होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो ये बेसिक फीचर है, आप इसको नहीं हटा सकते, इसलिए कोई भी जो अमेंडमेंट होगा उसको डेफिनेटली कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन एक ग्राउंड हो सकता है। इस तरीके से ये चूहा बिल्ली का खेल चलता रहा। ये फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड था जो कि अपने बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्राइन वहाँ से आई थी और धीरे धीरे ये बिल्डअप हुई थी। तो ये जो केसेस हैं आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, यहाँ से मैं समझता हूँ एक या दो क्वेश्चंस ज़रूर बनने चाहिए। आगे भी हम और क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।